समझा नहीं यार, एक और बार पूछ सकते हो आप? फिल्म का नाम जो है आपने मुंबई 125 रखा है, जो कि काफी अलग नाम है, तो क्या कहेंगे, क्या समझना चाहिए? वो सस्पेंस मिल रहा है आपको तो हम पास हुआ, मतलब एक कोई भी हॉरर फिल्म होता है लाइक यू नो डायरेक्टली हिट हॉरर को रिलेट होके, एग्जॉर्सिस्ट एक डायरेक्ट हिट है, मतलब वो डायरेक्टली समझ में आता है कि ये हॉरर है। इसमें है कि मुंबई 125 किलोमीटर, कहाँ से मुंबई तक पहुँचने के लिए 125 किलोमीटर है, वहाँ पे 125 किलोमीटर के जगह पे क्या खासियत है, क्या होता है, पिक्चर में सस्पेंस पार्ट वही है, मैं वो रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट दैट्स द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट और टाइटल फिल्म के लिए बहुत एप्ट है, इसलिए रखा गया है। अच्छा, फिल्म में जो है करणवीर सिंह जी है, तो वो आपके जहन में कैसे हैं और किस तरह से मुलाकात सी? मैं एक्चुअली सबको ये फिल्म में तो नया कास्ट को ही कास्ट करने के लिए सोच रहा था, बिकॉज 3D फिल्म बनाने के लिए बहुत दिन लगता है और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, जो नॉर्मल आम एक्टर बड़े स्टार नहीं दे पाएंगे, तो उसके नाते देन आई सॉ हिज वन ऑफ हिज सीरियल, लाइक देखा था सौभाग्यवती कुछ तो चल रहा था, तभी मैं उनको कांटेक्ट करके मैंने बोला कि ही वाज अ वेरी गुड एक्टर, तो मैंने उनको बोला है कि आप पिक्चर करना चाहोगे, देन ही केम इन, ही गेव हिज ऑडिशंस एंड आई लाइक हिज परफॉर्मेंस, बेसिकली ही वर्क वेरी हार्ड इन द फिल्म एंड डेफिनेटली जैसा वो सीरियल में सक्सीड हुआ फिल्म में भी उनको अच्छा नाम कमा के देगी। अच्छा, फिल्म जो है, फिल्म का ट्रेलर जो है लोगों को काफ़ी पसंद है, लेकिन फिल्म में कोई खास डायलॉग्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे और क्या कॉन्सेप्ट? खास डायलॉग्स ट्रेलर में नहीं है, फिल्म में बहुत है फिल्म में तो बहुत है, ट्रेलर में मैं नहीं डाला है कि जो रेगुलर आम हर फिल्म में जैसा डालते हैं रेगुलरली वैसा नहीं बनाया, डिफरेंट वे में ट्राई किया मैंने ट्रेलर। फिल्म में तो डायलॉग्स है, काफ़ी अच्छी डायलॉग्स है, करणवीर का डायलॉग्स है, विजय भाटिया का डायलॉग्स है, वेदिता का है, वीना मलिक का अच्छी परफॉर्मेंस है, सब डायलॉग्स तो धीरज रतन ने लिखा है, देर आर गुड डायलॉग्स। देखा जाए सर तो आजकल लोग फिल्म ज़्यादा निकल रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो आपके जहन में कहाँ से आए कि हॉरर फिल्म निकाली जाए? सही, नॉर्मली क्या होता है, एक छोटी प्रोड्यूसर के लिए, छोटा डायरेक्टर के लिए स्टार का ज़रूरत होता है अपने आप को बेचने के लिए, पिक्चर को लोगों को लेकर आने के लिए, तो हॉरर एक चीज़ है जिसमें कोई हीरो का ज़रूरत नहीं होती, हॉरर एक सेल्फ इज अ हीरो, तो इसलिए हो गया बनाया गया। थैंक यू, थैंक यू। आप पूछो, क्या क्या, मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। अब लोगों का एक्साइटमेंट जितना लेवल बढ़ेगा उससे ज़्यादा तो एक्टर्स का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ने हार्ड वर्क किया एंड होप अप्रिसिएशन मिले, फिंगर्स क्रॉस बिकॉज ऑफ दैट। हॉरर मूवी देखने में तो बड़ा डर लगता है, लेकिन क्या शूट करने में आपको कोई डर या फिर? देखिए, हम लोग ने ऐसे लोकेशंस पे शूट किया, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान भी अगर जाएगा खुद ही आपको डर लगेगा, तो यस देर वर सम टाइम्स, बट हम लोग की ऑब्वियसली को आर्टिस्ट, जैसे अपर्णा नहीं है अभी, को अपर्णा थी, हम दोनों अपने आप को बोलते रहते थे अरे ठीक है यार चलेगा, चलो ये शॉट खत्म करते चलते, तो हाँ थोड़ा बहुत तो डर लगा था, बट इतना नहीं जितना ऑब्वियसली ये पूरा फिल्म जैसे आपको दिखा रहे हैं, बट यस वी वर स्कैर्ड नो डाउट। आशिका नाम है मेरा इस कैरेक्टर, आज की लड़की है, शी इज़ वेरी मच इन लव विथ अ बॉयफ्रेंड, बट जैसे आपने गाने देखे होंगे जिसमें करणवीर इज़ प्लेइंग माय एक्स बॉयफ्रेंड, और तो वो एक जेलस फैक्टर चलता है विथ माय बॉयफ्रेंड हु आई एम वेरी मच इन लव, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो पागल सा थोड़ा सा ऑब्सेसिव कैरेक्टर है, तो वो इन लोग का ट्राइंगल चलता रहता है, एंड आशिका इज़ अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ वेरी मच इन लव, अब जो एक्स है मतलब एक्स है ना, तो देयर इज़ अ रीज़न वाई वो एक्स बना, तो आप देखिएगा तो मज़ा आएगा। करणवीर वोरा इज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, जो भी वो करता है, जो भी टेक वो देते हैं, इट इज लाइक परफेक्ट, सो यू हैव टू कम अप टू हिज लेवल ऑफ एक्टिंग एंड ही इज ब्रिलियंट, इवन व्हेन वी हैड अ लव मेकिंग सीन्स एंड ऑल दैट, वेरी प्रोफेशनल, सो देयर वाज नो इश्यू। थैंक यू सो मच।
या एक हाँ जब एक बच्चे को एक खिलौना मिलता है जो उसे बहुत डेस्परेटली चाहिए होता है, ये वो वाला खिलौना है. एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज ऑफ कोर्स एक हिंदी डेब्यू फिल्म है और स्पेशली ऐसी फिल्म, इट्स अ 3D फिल्म, सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. हॉरर फिल्म है एक्चुअली, एज दे कॉल इट नाउ हॉरेक्स, इट्स हॉरर प्लस एक्स, ओके नॉट लिटिल एम्बैरेसिंग बट हाँ. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. आई थिंक इट्स गोना एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म होगी बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ कि डॉल्बी एटमॉस में और वो भी 3D फिल्म बनी है विच इज शॉट ऑन अ 3D कैमरा. So I'm really looking forward. You know, mainly तो मुझे जिस तरह से सर ने अप्रोच किया, because he's been watching my work, he's been following my work, चाहे वो सौभाग्यवती हो चाहे वो कसौटी हो, he's been watching this a very long time, and he said he really wants to work with me, and I, for me it's a मतलब एक opportunity as well as a privilege to be working with Hemant Madhukar, because वो जिस तरह की फिल्म भी बनाते हैं वो एकदम बहुत ही यूज्ड वर्ड है बट बहुत ही हटके फिल्म बनाते हैं, क्योंकि ऐसी फिल्म यू डोंट मेक इट ऑन अ नॉर्मल डे टू डे बेसिस. जैसे बोल रहे कि खुजली हुई उन्हें एक 3D फिल्म बनाने की, वो भी डॉल्बी एटमॉस में. सो इट्स अ ग्रेट, जैसे मैंने कहा पहले भी कि अवतार वॉज शॉट इन दिस फॉर्मैट, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दिस. बहुत ज़्यादा मुश्किल, इट्स नॉट ईजी, बट मैं एक वर्कहोलिक हूँ एंड मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज शूटिंग, और ये लकीली रात को शूट होती थी फिल्म, और हम लोग फिल्म सिटी में शूट करते थे, तो दिन में मैं मेरा सौभाग्यवती भवन शूट करता था, रात को आई वुड कम एंड शूट फॉर सर, और फिर वापस सुबह जाकर आई वुड शूट फॉर दैट टीवी शो. तो ये लगातार ऑलमोस्ट 20 दिन तक मैंने किया एंड इट किल्ड मी. आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें छुपा कर रखनी होती है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट होता है, अगर सब कुछ दिखा देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा. सो दिस वॉज जस्ट अ फील कि ये फिल्म कैसी होगी, जिस तरह से आप इफेक्ट साउंड और लुक देख रहे हैं, बाकी आई वुड लीव इट टू एवरीबडी एल्सेस इमेजिनेशन. अगेन मैं आई लव प्लेइंग रियली इंटेंस ब्रूडिंग, जो अंदर ही अंदर जैसे बच्चन साहब प्ले करते थे वैसे रोज बहुत ही वो एंग्री यंग मैन करते थे, आई प्ले द ब्रूडिंग यंग मैन. सो अगेन वैसा ही है कि प्यार में उसे बहुत चोट पहुंची है, बहुत ठोकर मिली है, एंड हाउ ही कोप्स अप विद दैट लव दैट ही हैज़न्ट गॉट. देखिए मैं जो एक मीडियम होता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टीवी हो चाहे थिएटर हो, मैं किसी में अंतर नहीं देखता हूँ. इट डजेंट मैटर चाहे रोमांटिक फिल्म हो चाहे हॉरर फिल्म हो चाहे एक्शन फिल्म हो, फॉर मी द स्टोरी शुड एक्साइट मी और द मीडियम शुड एक्साइट मी, एंड दिस बोथ मतलब ये मीडियम भी बहुत एक्साइटिंग था और ये पिक्चर भी वन ऑफ इट्स काइंड. और रोमांटिक फिल्म तो करेंगे ही आगे जाकर, बट दिस वॉज वन ऑफ इट्स काइंड, और ऐसी आई डाउट इतनी जल्दी बनेगी. थैंक्स अ लॉट.